नमस्कार, आप देख रहे हैं वन तेज और आपके साथ मैं हूं मनीषा गोदारा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। पूरी दुनिया में 55 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, वहीं अब तक 3,47,000 से ज्यादा लोगों की मौत। हालांकि 23,65,000 से ज्यादा लोग इलाज के बाद हुए ठीक। भारत में कोरोना वायरस का कहर, संक्रमित मरीजों की संख्या 1,45,000 के पार। 4,167 लोगों ने अब तक गंवाई जान, वहीं राहत के बाद 60,000 से अधिक लोग इलाज के बाद ठीक। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के ट्रायल पर लगाई रोक। विश्व संस्था ने बाकी अन्य दवाओं के ट्रायल को रखा जारी, वहीं सोशल मीडिया पर लोग इसके पीछे चीन का हाथ बता रहे हैं। वहीं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर एक रिपोर्ट में दावा, इस दवाई से कोरोना मरीजों को फायदा होने के बजाय ज्यादा नुकसान। WHO के इस फैसले पर सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, इसे चीन से जोड़ रहे हैं। खास बात यह कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप विश्व संस्था पर चीन की तरफदारी का आरोप लगा चुके। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल टोक्यो समेत अन्य हिस्सों से समाप्त कर दिया। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हुई। यह भी बता दें कि जापान सरकार ने यह फैसला कोविड-19 के मामलों में तेजी से आई कमी के चलते लिया। जापान के प्रधानमंत्री की ओर से आपातकाल हटाने की घोषणा के बाद यहां के लोगों की गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं। इस दौरान होटल और सैलून की दुकानें खुली, साथ ही लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किसी भी उच्च तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। कोरोना संक्रमण के इस मुश्किल दौर में पूरी दुनिया के चिकित्साकर्मी जान जोखिम में डालकर कर रहे काम, वहीं अमेरिका के कई इलाकों में नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स के वेतन में भारी कटौती हो रही, जिसके चलते उन्हें कम तनख्वाह पर काम करना पड़ रहा है। यह भी बता दें कि हालात अमेरिकी हेल्थ केयर कंपनियों को अपनी ताकत घटाने का यहां पर नतीजा। वैश्विक आपदा कोरोना वायरस को लेकर राहत के बाद ब्रिटेन में डॉक्टर्स ने क्लिनिकल ट्रायल किया शुरू। कोविड-19 के गंभीर बीमारी मरीजों को मदद मिलने की संभावना, क्लिनिकल ट्रायल से मिल सकती है मदद। बिन्यामिन नेतन्याहू इजराइल से पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पद पर रहते हुए ट्रायल का सामना कर रहे। हालांकि खुद पर लगे रिश्वत, फ्रॉड और भरोसा तोड़ने के आरोपों को खारिज करते हैं। सुनवाई के लिए अदालत पहुंचे नेतन्याहू ने कहा कि इन मामलों का मकसद किसी भी मुमकिन तरीके से उन्हें नीचे गिराना। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, विश्वास भंग करने के साथ कई मामलों में रिश्वत लेने का आरोप। उन पर अमीर मित्रों से शैंपेन और सिगार के डिब्बे जैसे महंगे उपहार स्वीकार करने के भी आरोप। साथ ही सबसे गंभीर मामले में एक प्रमुख टेलीकॉम कंपनी का है, और इसके तहत नेतन्याहू पर आरोप है कि इस कंपनी से उन्होंने करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाया। लद्दाख में भारत और चीन के बीच बढ़ा तनाव। चीन ने पूरे लद्दाख में बढ़ाई गतिविधियां। गलवान घाटी समेत इस पूरे इलाके को चीन ने बताया अपना क्षेत्र। 1962 के युद्ध की याद दिलाते भारत को दी दूर रहने की नसीहत। वहीं गलवान घाटी में चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए भारत ने भी सीमा पर अपनी गतिविधियां की तेज। भारतीय सेना ने सरहदी इलाकों में मोर्चा संभाला, साथ ही विवादित क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी, लेकिन सीमा पर तनाव के लिए चीन अभी तक सिर्फ भारत को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका ने उत्तर कोरिया से एक बार फिर की अपील। अमेरिकी NSA रोबर्ट ओब्रायन का कहना है कि उत्तर कोरिया बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है तो उसे परमाणु हथियारों से दूरी बनानी होगी। भारत के सेना प्रमुख MM नरवणे ने एक बयान में कहा कि कालापानी को लेकर नेपाल किसी और के इशारे पर विरोध कर रहा। सेना प्रमुख का इशारा चीन की तरफ था। इस बयान को लेकर अब नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल ने प्रतिक्रिया दी। नेपाल रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना प्रमुख के बयान से नेपाली गोरखाओं की भावनाएं आहत, जो लंबे समय से भारत के लिए बलिदान करते आए। नेपाल के रक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा जनरल मनोज नरवणे का चीन की तरफ इशारा करना निंदनीय है। उन्होंने कहा अगर जरूरत पड़ती है तो नेपाली सेना भी करेगी लड़ाई। इस दौरान उन्होंने भारतीय सेना प्रमुख के बयान को राजनीतिक स्टंट करार दिया और कहा कि सेना प्रमुख से इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं।
सऊदी अरब के लोगों को लॉकडाउन में मिली राहत, मक्का को छोड़कर पूरे देश से खत्म किया कर्फ्यू। मक्का में कर्फ्यू खत्म करने का फैसला 21 जून से होगा लागू। 21 जून के बाद से मस्जिदों में होगी नमाज पढ़ने की अनुमति। इंग्लैंड के डर्बी शहर में पाकिस्तानी शख्स ने की गुरुद्वारे में तोड़फोड़, ब्रिटेन पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। जबरन गुरुद्वारे में घुसने की कोशिश कर रहा था आरोपी, और इससे पहले पाकिस्तानी युवक ने छोड़ा था कश्मीर से संबंधित एक धमकी भरा नोट। लॉकडाउन के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, उड्डयन मंत्रालय ने निजी विमानों को उड़ान भरने की दी इजाजत। चार्टर्ड विमान और निजी हेलीकॉप्टरों को सरकार से मिली मंजूरी। निजी विमानों को उड़ान भरने की इजाजत पर सरकार ने कहा कि सभी ऑपरेटरों को मंत्रालय की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। राज्य उड़ान मंत्रालय की अनुमति के बाद ही यह फैसला लिया। ये भी बता दें कि देश में दो महीने के बाद घरेलू यात्री विमान सेवाएं फिर से शुरू होंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर साधा निशाना। राहुल ने लॉकडाउन फेल होने का दावा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो महीने पहले 21 दिन में कोरोना वायरस को हराने की बात कही, लेकिन अब 60 दिन बाद भी देश में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में लॉकडाउन का मकसद पूरी तरह से फेल। देश में अभी कोरोना वायरस महामारी का संकट है, और इस बीच महाराष्ट्र में सियासी उठापटक भी जारी। इसी हलचल के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मौजूदा परिस्थितियों को लेकर की चर्चा, जिसमें कोरोना संकट और भाजपा की ओर से जारी लगातार हमलों पर बात हुई। शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्विटर पर इस मुलाकात की दी जानकारी। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में छिड़ी तनातनी के बीच शिवसेना ने भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। शिवसेना सांसद संजय राउत एक बार फिर भाजपा पर हमलावर। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि महाराष्ट्र की सरकार पूरी तरह से मजबूत और इसे लेकर चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा संजय राउत ने कहा कि शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर की चर्चा। दौसा के लालसोट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। बीड़ी खरीदने के लिए लोगों की लगी लंबी कतार। तंबाकू बीड़ी सिगरेट की बिक्री से रोक हटाई तो उमड़ी लोगों की भीड़। बीड़ी लेने के लिए कारखाने के बाहर लगी लाइन। अलवर जिले में कोरोना वायरस से जूझ रहे चिकित्सक पुलिस प्रशासन के लिए माताश्री गोमती देवी ट्रस्ट की ओर से की जा रही मदद। मालाखेड़ा में मुख्य चिकित्सा कार्यालय पर जरूरत की सामग्री की भेंट। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को लेकर योगी सरकार और कांग्रेस में आर पार की जंग चल रही। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच ट्विटर वॉर जारी। तो अब यूपी कांग्रेस की ओर से योगी सरकार पर तंज कसा। यह तंज बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को लेकर कसा, जिसमें कहा गया कि अगर सोनू यूपी में होते तो योगी सरकार उन्हें भेज दीजिए। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में देर रात आग लगने से मची अफरा तफरी। आग गांव की झुग्गियों में लगी थी, और इस दौरान एक के बाद एक सिलेंडर फटने से आग तेजी से फैली। इस हादसे में 200 से ज्यादा झुग्गियां और गोदाम जलकर हुए खाक, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने दागे मोर्टार बम। पाक की नापाक हरकत का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। गोलीबारी और तेज धमाकों से लोगों में डर का माहौल। बिहार के स्टूडेंट्स का इंतजार हुआ खत्म। बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट किया जारी। 15 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा। हिमांशु राज ने 10वीं की परीक्षा में पहला स्थान किया हासिल। 500 में से 481 अंक हुए प्राप्त। लॉकडाउन के बीच केरल में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से। 3 लाख से अधिक छात्र हुए शामिल। परीक्षा केंद्रों पर कोरोना के चलते किए खास इंतजाम। सभी परीक्षा केंद्रों को किया सैनिटाइज। लॉकडाउन की वजह से बिहार के छपरा में 57 दिन से फंसे हंगरी के विक्टर जीको का सब्र आखिरकार 24 मई को टूटा। सदर अस्पताल छपरा में रह रहे विक्टर ने भागने की कोशिश, लेकिन नाकाम रहा। दरभंगा के सिमरी थाने के पास पुलिस ने उन्हें पकड़ा। दिल्ली लखनऊ भोपाल जयपुर गुरुग्राम समेत देश के कई बड़े शहरों में आसमान से आग बरस रही, जिसके चलते आज इन शहरों का अधिकतम तापमान 45 डिग्री रहने का अनुमान। वहीं मौसम विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए उत्तर भारत में रेड अलर्ट किया जारी। इस दौरान लू का प्रकोप अपने चरम पर हो सकता है।
देश भर में भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल किया। ऐसे में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सुबह से ही आग बरसी, जिसके चलते इन राज्यों का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रहा। वहीं नौतपा शुरू होने के बाद मौसम विभाग ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ट्रिपल मर्डर केस से मची सनसनी। पूरनखेड़ा गांव में एक महिला समेत बच्चियों के मिले शव, सभी शवों को गले में मिला कपड़े का फंदा। पारिवारिक विवाद का हो सकता है मामला। पूरे केस की तफ्तीश में जुटी पुलिस। रामनगरी में बहुप्रतीक्षित रामलला के मंदिर निर्माण की हुई शुरुआत। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने 28 वर्ष बाद किए रामलला के दर्शन और मंदिर निर्माण कार्यों का लिया जायजा। इस दौरान कहा कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, समतलीकरण उसी का प्रथम चरण। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सहरी इफ्तारी पर मचा बवाल। श्राइन बोर्ड के इस कदम की बजरंग दल ने की आलोचना। बोर्ड के सीईओ रमेश कुमार को हटाने की उठी मांग। मंदिर के पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। मारुति सुजुकी के गुजरात प्लांट में प्रोडक्शन हुआ शुरू। 23 मार्च से बंद था कामकाज। लॉकडाउन 4.0 में ढील मिलने के बाद कंपनी ने प्रोडक्शन को दी रफ्तार। सरकारी नियमों की पालना के दिया आश्वासन। रिलायंस इंडस्ट्रीज की भारतीय एयरटेल ने अपनी हिस्सेदारी बेचकर कर्ज मुक्त होने का लिया निर्णय। 1 अरब डॉलर की पूंजी जुटाने की बनाई योजना। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5 कंपनियों को हिस्सेदारी बेचने का लिया था फैसला। टाटा ग्रुप के बड़े अधिकारियों की सैलरी में होगी 20% की कटौती। ग्रुप के इतिहास में पहली बार चेयरमैन समेत दूसरे बड़े अधिकारियों ने सैलरी में कटौती का लिया फैसला। लॉकडाउन की वजह से कारोबार पर पड़े असर के चलते उठाया कदम। कोरोना काल में एमपी के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दिखाई संवेदनशीलता। कहा आरक्षक से लेकर निरक्षक तक पहन सकेंगे कॉटन सपोर्ट्स नीली कैप। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की दृष्टि से लिया फैसला। नागौर के मुंडवा में सड़क हादसा। भंडाना गांव में ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में ट्रेलर चालक रूपनगढ़ निवासी रामधन चौधरी गंभीर रूप से घायल। इससे पहले ज्ञान तालाब के पास भी ट्रेलर अनियंत्रित होकर खाई में गिरा। टोंक के देवली ऊंचा तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी। हनुमान नगर थाना पुलिस ने लोगों की मदद से शव निकाला बाहर। ज्योति कॉलोनी निवासी मोनू सोन के रूप में हुई शिनाख्त। 23 मई से था घर से लापता। भरतपुर के दीग में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। फांसी के फंदे पर झूलता मिला विवाहिता का शव। मृतका के परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। धौलपुर में कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू। सरकारी स्कूलों में व्हाट्सएप के जरिए वीडियो बनाकर दी जा रही शिक्षा। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क और बिजली बच्चों के लिए बनी परेशान। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन 4 में छूट का दायरा बढ़ाया। गृह विभाग ने संशोधित आदेश किए जारी। बीड़ी, सिगरेट, पान, गुटखा की बिक्री पर हटी रोक। सार्वजनिक स्थलों पर रहेगा प्रतिबंध जारी। रेड जोन में चल सकेंगे टैक्सी और ऑटो रिक्शा। टोंक के मालपुरा में सांप्रदायिक तनाव को कम करने की कोशिश। धार्मिक जुलूस का मार्ग परिवर्तन करने का लिया फैसला। तो वहीं फैसले के विरोध में आए हिंदू संगठन। सीकर के दातारामगढ़ में पुलिस और डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। होटल में छापा मारकर 10 जुआरियों को पकड़ा। आरोपियों से 1,56,000 रुपए की बरामद। इलाके में पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी। टोंक में बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद। खुलेआम हो रहा है अवैध बजरी का खनन। पुलिस प्रशासन नहीं ले रहा मामले की सुध। हाईकोर्ट के आदेशों की हो रही अवहेलना। कोटा में गरमाया संपूर्ण फसल की तुलाई का मुद्दा। भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों ने दिया धरना। संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने धरने पर बैठे पदाधिकारी। पाली के देवसुरु में पुलिस अधीक्षक राहुल कोटकी ने किया कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण। सेंटर की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आला अधिकारियों को दिए व्यवस्था सुधारने के निर्देश। और इसी के साथ एवन तेज में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी।
है।